यदि किसी वृत्त श्रेणी के पी टू पी थ्री पी पदों का योग क्रमशः यल एम एन हो तो सिद्ध करो कि दिस वन पी पदों का योगफल यानी एस पी क्या हो जाएगा ए वन माइनस आर पावर पी वन माइनस आर बराबर यल एस क्यू एस पी नहीं एस टू पी क्यू नहीं टू पी भी बराबर हो जाएगा ए वन माइनस आर पावर टू पी बटे वन माइनस आर बराबर यम और एस थ्री पी बराबर ए वन माइनस आर पावर थ्री पी बटे में वन माइनस आर बराबर एन यल यम यन। तो सिद्ध करो कि यल यम और यम प्लस एन माइनस यल गुणोत्तर श्रेणी में है कह रहा है कि यल यम यम प्लस एन माइनस यल एम प्लस एन माइनस यल गुणोत्तर श्रेणी में है दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर बराबर यल एम प्लस एन माइनस एल होगा। तो हम करें क्या यम प्लस एन माइनस यल ये निकाल लें फिर इसमें यल का गुणा कर देंगे तो इसका गुणनफल यम स्क्वायर के इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं m प्लस एन माइनस एल बराबर m का मान a वन माइनस आर पावर टू पी बटे वन माइनस आर और प्लस n ये a वन माइनस आर पावर थ्री पी बटे वन माइनस आर माइनस l ए वन माइनस आर पावर पी बटे वन माइनस आर। अब देखिए ए बाई वन माइनस आर ए बाई वन माइनस आर ए बाई वन माइनस आर कॉमन है तो कॉमन ले लें ए बाई वन माइनस आर बचेगा क्या वन माइनस आर पावर टू पी प्लस वन माइनस आर पावर थ्री पी माइनस माइनस वन प्लस आर पावर P कितना हो जाएगा तो क्या हो गया a बाई वन माइनस आर वन प्लस वन माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा वन फिर माइनस r पावर p अगर हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमको यहां वन हो जाएगा यहां पर हो जाएगा वन माइनस r पावर p माइनस आर पावर टू पी। अच्छा अब इसमें यल का गुणा कर दें यल ये देखिए यहां पे माइनस का मिली है ना ये माइनस हो जाएगा ये प्लस तो एम प्लस एन माइनस यल बराबर यल का मान क्या है ए वन माइनस आर पावर पी बटे में वन माइनस आर इंटू इतना ए बटे वन माइनस आर वन माइनस आर पावर पी ऐसा करते हैं इसको ऐसे लिखें आर पावर टू पी प्लस आर पावर पी माइनस वन ये हो गया। तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर वन माइनस आर का होल स्क्वायर और इसका इसमें गुणा कर दें गुणा करेंगे तो देखिए वन में जब गुणा करेंगे तो वन माइनस आर पावर पी फिर
माइनस इसका गुणा करेंगे आर पावर पी और प्लस आर पावर टू पी। ऐसा करें तो माइनस लगा दें ताकि ये ऐसे रहे, तो आर पावर पी और माइनस माइनस रहेगा आर पावर पी माइनस आर पावर टू पी, ठीक है। इधर आर पावर टू पी प्लस आर पावर पी माइनस वन, गुणा कर दें अंदर ए स्क्वायर वन माइनस आर पावर वन माइनस आर का होल स्क्वायर वन माइनस आर पावर पी माइनस इसमें गुणा करेंगे तो आर पावर थ्री पी, फिर माइनस आर पावर टू पी, फिर प्लस आर पावर पी। माइनस माइनस प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आर पावर फोर पी प्लस आर पावर थ्री पी और माइनस आर पावर टू पी। ये सब कट रहा है देखिए, ये भी कट रहा है, तो क्या क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर वन माइनस आर का होल स्क्वायर वन माइनस टू आर पावर टू पी प्लस आर पावर फोर पी, आर पावर फोर पी है ना, तो आर पावर टू पी का होल स्क्वायर कर दें। तो ये देखिए क्या हो गया, वन माइनस आर पावर टू पी का होल स्क्वायर है, ये क्या मिल गया देखिए ए स्क्वायर वन माइनस आर का होल स्क्वायर वन माइनस आर पावर टू पी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया देखिए, ए वन माइनस आर पावर टू पी बटे वन माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर तो सब जगह स्क्वायर है। अब ये देखिए क्या है, यम है ना, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर। यही लाना ही था कि इनका गुणनफल यम स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यम बीच में आ जाएगा, दिस इंप्लाइज यल सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, बहुत बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद इकाई हो और उसके प्रत्येक पद उस पद के बाद के सभी पदों के योग के बराबर है। अच्छा, ये क्या कर, ये कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी में श्रेणी क्या, मान लीजिए ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अनंत पदों तक है, ये कह रहा प्रथम पद इकाई है और उसके बाद वाले पद क्या होंगे, इस तरह से होंगे। चाहे तो हम ए का मान वन रख सकते हैं, ए का मान हम चाहे तो वन रख सकते हैं, ये श्रेणी हो जाएगी। वो कह रहा है कि जैसे कोई भी पद, जैसे ये पद यह पद इसके बाद के सभी पदों के योगफल के बराबर हो, या यह पद इसके बाद के, जैसे अगर ये इस पद की बात कर रहे हैं तो इसके बाद के सभी पदों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं जैसे यहां से यह वन इसके बाद के सभी पदों के योगफल के बराबर, यानी कि प्रथम पद ए आर और बटे में सर्वन पद आर है तो वन माइनस ये हो जाएगा। अब ए बराबर वन है, ए बराबर वन है तो मान रख दे वन बराबर
1 into r by 1 minus r. இதல்லாதே 1 minus r வரவர் r. This implies 1 equals 2r. तो r बराबर 1 by 2 अब r निकल गया 1 निकल गया तो श्रेणी श्रेणी बराबर a ar ar square ar cube ये इसका मान हो गया 1 1 into 1 by 2, 1 into 1 by 2 का स्क्वायर या 1 into 1 by 8 ऐसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हो गया 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 इस तरह से हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर ये देखिए दिया हुआ कि योगफल के बराबर है ना तो जो श्रेणी होगी वो योगफल में होगी तो यहां भी हमारा इसी तरह से हो जाएगा मान वही आएगा बस प्लस लगा देंगे वैसे सही कहिए तो श्रेणी पूछ रहा था तो श्रेणी तो कामा लगा के भी हो सकता था लेकिन योगफल दिया है तो योगफल में कर देंगे चलिए ठीक 21 में दिया हुआ है कि यदि y बराबर x प्लस x स्क्वायर y बराबर x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू इनफिनिटी अगर है तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर y बाई 1 प्लस y हालांकि ये एग्जांपल में दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं इसको लगा दे रहा हूं ये देखिए अनंत पदों तक है तो अनंत पदों का योगफल निकाल लें जिसका प्रथम पद x और सार्वानुपात भी x होगा यानी कि प्रथम पद x और बटे में 1 माइनस x गुणा कर दीजिए तो y माइनस xy बराबर x हमको करना क्या है कि x को एक तरफ रखना है y को एक तरफ रखना है तो इधर इसको ऐसे करें y बराबर x प्लस xy इसमें से x कॉमन 1 प्लस y इधर y इधर भेज दें तो y by 1 प्लस y बराबर x या x इधर लिखते हैं यही सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो इसको आप लोग थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके पूछता रहता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर के कर लीजिएगा आप लोग ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n 2n तथा अनंत पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s है यानी कि s1 जो है n पदों का योगफल तो a 1 minus r power n बटे में 1 minus r s2 2n पदों का योगफल a 1 minus r पावर 2n बटे में 1 माइनस r और अनंत पदों का योगफल s है तो ये हो जाएगा a बाई 1 माइनस r अब तो हमको सिद्ध करना है कि s1 s1 माइनस s बराबर s s1 माइनस s2 तो बारी बारी से निकाल लें ऐसा करें हम लोग निकालें s1 s1 माइनस s देखिए इसका मान कितना आता है S1 A 1 minus R power N बटे 1 minus R गुड़े देखिए इसका मान हो जाएगा S1 का मान 1 minus A 1 minus R power N बटे 1 minus R minus S A by 1 minus R
देखिए ए बाई वन माने सर, ए बाई वन माने सर, ए बाई वन माने सर, यहां से कॉमन है ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ये क्या बचा यहां पे, वन माइनस आर टू द पावर एन। इधर क्या बच रहा है, ये कॉमन हो जाएगा तो वन बचेगा ना, तो वन माइनस आर टू द पावर वन एन माइनस वन, वन वन कट गया, तो क्या हो गया देखिए, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आर पावर एन वन माइनस आर पावर एन बटे में वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया एस वन, एस वन माइनस एस। अब हमको निकालना है दूसरा एस एस वन माइनस एस टू, एस एस वन माइनस एस टू। एस का मतलब हो गया ए बाई वन माइनस आर, एस वन माइनस एस टू ये घटाएंगे तो देखिए ए बाई वन माइनस आर, ए बाई वन माइनस आर कॉमन है उसमें, ए बाई वन माइनस आर एक स्टेप में काट रहा हूं तो बचेगा क्या, वन माइनस आर पावर एन माइनस वन प्लस आर पावर टू एन। तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर वन माइनस आर का होल स्क्वायर। और यहां क्या बचा, ये खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया और इसमें से माइनस आर टू द पावर एन एन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, वन माइनस आर पावर एन यानी कि माइनस ए स्क्वायर आर टू द पावर एन वन माइनस आर टू द पावर एन बटे में वन माइनस आर का होल स्क्वायर। देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एस वन, एस वन माइनस एस बराबर एस एस वन माइनस एस टू। ठीक है ना, ये सिद्ध करना था। यदि ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 23, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि दिस वन ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में है तो क्या हो जाएगा, देखिए बी बाई ए बराबर सी बाई बी बराबर डी बाई सी। ठीक है, तो इसको इसको जब लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसको इसको ले लेंगे तो सी स्क्वायर बराबर बी डी, इसको इसको ले लेंगे तो बी सी बराबर ए डी। ये तो कंडीशंस मिल गया हमको, अब करना क्या है, दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो इसमें गुणा कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी पावर फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी पावर फोर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर।
देखिए हमको लाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। देखिए ये थोड़ा सा इसमें एक रफ कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू। टू देखिए इसमें गुणा करेंगे तो बी मतलब टू ए बी स्क्वायर सी प्लस टू बी सी स्क्वायर डी प्लस टू, इसका इसमें करेंगे ना टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये हम इसलिए किए ना कि हम जैसे जो इसमें कुछ मिल रहा है उसको हम अलग कर लें, बाकी को हम इस तरह का बनावें। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ है, यहाँ है, ये तो इन तीनों को अलग कर ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इतना हो गया। इसमें देखिए कहीं पर पावर फोर नहीं है, इसका मतलब इसको इसको तोड़ देंगे, तो पावर फोर को हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। और क्या क्या हुआ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस किसका किसका मान हमको पता है, हाँ तो गुणा हो गया ही। अब इसके बाद जो जरूरत की चीज है इसको हम यहां पे यहां तक कर लिए, फिर उसके बाद हमको इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर और बी पावर फोर और सी पावर फोर, तो बी पावर फोर को बी स्क्वायर, सी पावर फोर को सी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर उसके बाद देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो ए सी इंटू ए सी कर देंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर है तो ए डी इंटू ए डी कर देंगे, बी स्क्वायर सी अच्छा बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो वहां से बी डी, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है तो बी डी इंटू बी डी, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो बी सी इंटू बी सी कर देंगे, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो यहाँ आ ही गया है। तो अब देखिए इसको फिर कैसे बदलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर दोनों है ना, तो बी स्क्वायर दोनों का मान नहीं रखेंगे, एक का मान रख देंगे, एक बी स्क्वायर रहने देंगे, बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर का मान ए सी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि हमको बी स्क्वायर ए सी चाहिए, दो जगह बल्कि चाहिए। अभी तो मान लीजिए इसका हुआ, अब फिर अब इसमें इसी तरह से कर ले, सी स्क्वायर एक तो सी स्क्वायर रहने देंगे, इसका मान रख दें तो रख दें सी स्क्वायर बी डी, क्योंकि यहां पर सी स्क्वायर बी डी भी है, प्लस ए सी इंटू ए सी, एक ए सी का मान रख देंगे बी स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा बी स्क्वायर ए सी। ये देखिए दो दो जगह हो गया, ये भी दो जगह चाहिए, तो यहां तक हो गया। ए डी इंटू ए डी, एक एडी का मान रख दें तो यहां पर हो जाएगा एडी इंटू दूसरी जगह दूसरे एडी का मान बीसी रख दें, ठीक है। बीडी इंटू बीडी, एक बीडी का मान रख दें और हमको मिल जाएगा बीडी इंटू सी स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस यहां तक हो गया ना। अब बीसी इंटू बीसी, एक बी सी का मान रख दें तो हमको मिल जाएगा बी सी इंटू ए डी, ए डी। अब देखिए क्या क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी टू बी स्क्वायर ए सी, सी स्क्वायर बी डी, सी स्क्वायर बी डी टू सी स्क्वायर बी डी हो गया,
और ए बी सी डी, ए बी सी डी दो बार है, टू ए बी सी डी। अब देख लीजिए इसमें हमारा सब मिल रहा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर मतलब टू ए बी स्क्वायर सी, टू ए बी स्क्वायर सी, टू बी सी स्क्वायर डी, टू बी सी स्क्वायर डी, और फिर प्लस टू ए बी सी डी। मिल गया सभी? तो इसको हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। बस ये लगा था, ये हो गया सिद्ध। नंबर 25 24, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। पिछला सवाल इसी तरह से लगाए थे हम लोग, तो क्या मिला था, बी बाई ए बराबर सी बाई बी बराबर डी बाई सी। दिस इंप्लाइज क्या क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी मिलेगा, सी स्क्वायर बराबर बी डी मिलेगा, और बी सी बराबर ए डी मिलेगा। ये हो गया। तो क्या दिखाना है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a प्लस d माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस d का होल स्क्वायर। तो एलएचएस लेकर के करें, होल स्क्वायर को तोड़ दें तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी डी। देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी आएगा, तो माइनस टू ए डी अगर कहीं रहता है तो उसको हम टच नहीं करेंगे। तो देखिए क्या क्या हो गया, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा ना, तो इसको भी टच नहीं करना है, ये दोनों को नहीं छुएंगे। फिर क्या क्या बचा, ये दोनों टू टाइम्स वाले, माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी माइनस टू बी डी। बी सी बी स्क्वायर बराबर ए सी, है ना, टू ए सी हो जाएगा, टू सी स्क्वायर बराबर बी डी, टू बी डी हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए ए सी रहने दें, बी डी इसको चेंज करें, इसको चेंज करें बी सी को ए डी में ला में, तो बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर ए डी है। फिर माइनस इसको ऐसे रहने दें, इसको भी ऐसे ही रहने दें, तो ये कट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी। और ये क्या है, ये है ए माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा ओके।